कभी भी सूची आ सकती है केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष, विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। पहले वरिष्ठ नेताओं को इनकार कर रहे तो नए चेहरों पर कैसे दिखते हैं? भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। जो दीपक भाई आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो एक इंकाउंटर है, जबरदस्ती मारी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना दीपक बैज जी बंद करें। कांग्रेस दरअसल पहले वरिष्ठ नेताओं पे दांव लगा रही थी, सब मांग कर रहे थे, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात, अब वो सब मना कर दिए तो नए लोगों पे दांव लगा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो कांग्रेस के हालात हैं, जिस प्रकार से सिर फुट अव्वल है, जिस प्रकार से जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, ये उसी का प्रगटीकरण है। एक प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, हिमाचल प्रदेश, तो देश की जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यवहार किया, भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध चाहते रहा है, उसके लिए प्रयत्न हुए हैं, पर समय समय पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, तो ये वीके हरिप्रसाद जी को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे और क्या संबंध होने चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अभी से हार चुकी है, हार मान चुकी है और उनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, जनता उनसे दूर जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.